ब्रिमिंगम फिनिक्स वर्सेस साउथन ब्रेव द 100 मेन कंपटीशन 2022 मैच नंबर 8। दोस्तों इस मैच में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ब्रिमिंगम फिनिक्स की बात करें जो अपना पिछला मैच खेला हार गया, मतलब हार के साथ शुरुआत हुई है ब्रिमिंगम फिनिक्स की। वहीं साउथन ब्रेव की बात करें पिछले साल की चैंपियन थी, इस साल भी जो शुरुआत करी है ना वो चैंपियन की तरह करी है, आते हैं खेलते हैं चैंपियन की तरह, जीतते हैं शान से आते हैं शान से जाते हैं साउथन ब्रेव, आपके क्या कहने। वहीं दोस्तों अगर हम पिछले सीजन की बात करें द 100 2021 में जो इन दोनों के बीच में दो मैच गया था, दोनों ही मैच में साउथन ब्रेव ने क्या किया था, ब्रिमिंगम फिनिक्स को पलट दिया था, बाजी हरा दी थी और बोलता है भैया तुम हमसे ना मैच ना जीत पाओगे, कौन ब्रिमिंगम फिनिक्स, दोनों मैच साउथन ब्रेव ने जीतकर साबित कर दिया था। तो दोस्तों क्या वैसी परफॉर्मेंस फिर से दोहरा पाएगा और करेगा हर मैदान पर, या ब्रिमिंगम फिनिक्स बोलेगा इस बार हम ना तैयार हैं पलटवार करने के लिए पिछली हार का बदला लेने के लिए। आप भी तो ये जानना चाहते हैं ना कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच, तो पूरी वीडियो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा जो आज का मैच होगा कौन सी टीम कर पाएगी अपने नाम। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है ना, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल है रक्षाबंधन के लिए मेरे पास आपके लिए, चलो देखते हैं। कर दिया एक चाहत थी उम्मीदों की, एक ऐसा भी दिन आएगा जब मेरा भाई मेरा भैया बन जाएगा और इस दुनिया के हर भाई से मेरे लिए सबसे अलग कुछ कर जाएगा। एक चाहत थी उम्मीदों की, एक वो भी दिन आएगा, ऐसी क्या चाहत थी एक बहन की अपने भाई से जिस दिन का वो इंतजार कर रही है, क्या उस बहन का जो भाई है जिस दिन का वो इंतजार कर रही है क्या वैसा दिन भी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। इसलिए मैं आपके लिए एक जबरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ किसकी, रक्षाबंधन की। तो मैं चाहता हूँ इस बार का जो रक्षाबंधन है ना वो आप मेरे साथ सेलिब्रेट करें। कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे आप मेरे साथ सेलिब्रेट, आपको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरी शॉर्ट फिल्म की लिंक मिलेगी, क्लिक करना है, वीडियो को पूरी देखनी है, उसके बाद आपको बताना है क्या आपको जो शॉर्ट फिल्म है अच्छी लगी या नहीं लगी। रक्षाबंधन ये बस एक डोर नहीं है। तो भाई लोग अगर हम इस मैच की बात करें, वेडनेसडे 10 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 11 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं और यह मुकाबला खेला जाएगा एट बॉस्टन ब्रिमिंगम में। यहाँ के मैदान पे अभी तक द 100 के 4 मैच खेले गए, जिसमें से 3 मैच में क्या हुआ, टारगेट चेंज हुआ, बस एक मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, मतलब यहाँ के मैदान पे ज़्यादा मैचों में क्या होता है टारगेट चेंज होता है। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 164 रन, टारगेट चेंज की बात करें 160 से नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 178 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। वहीं दोस्तों 160 से 178 के बीच में होगा ना, तो आप समझ जाना जो मामला है वो बराबरी का, चेंज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो ज्यादातर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पिच है सपाट है, बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो जब फ्लैट पिच पे मैच होंगे तो हाई स्कोरिंग मैच तो होने ही है ना। अगर हम यहाँ पे हेल्प की बात करें, जो गेंदबाज थोड़ा वेरिएशन करता है, स्लो ओवर का इस्तेमाल करता है, उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ का जो पिच है ना वो बल्लेबाजी के लिए बेहतर है। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो आप ये समझ लो 40 से 45 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर 100 बॉल स्कोर की बात करें 160 से 175 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रिमिंगम फिनिक्स ने 4 मैच खेला और 4 ही मैच जीता, मतलब ब्रिमिंगम अपने घर में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा, जो भी आता है सबको हरा के भेज देता, बोलता है मेरे घर में कोई ना जीत पाएगा। लेकिन साउथन ब्रेव की बात करें तो यहाँ के मैदान पे पहली बार आया है, पहली बार खेलने आएगा, तो क्या साउथन ब्रेव हार के जाएगा या फिर कहेगा नहीं हम दूसरी टीमों से अलग हैं हम कुछ और करके जाएंगे, चलो यही जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रिमिंगम फिनिक्स की, जिन्होंने अपना पहला मैच खेले और हार गए। और अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें, 2-3 चेंज हो सकता है, जैसा कि मैथ्यू वेड अगर अवेलेबल होंगे तो वो भी प्लेइंग 11 में आपको नजर आएंगे, क्रिस वोक्स अगर पूरी तरह से फिट हो जाएंगे तो वो भी आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। इसके अलावा भी एक आध दो चेंज हो सकते हैं किसके, ब्रिमिंगम फिनिक्स के खेमे में, क्योंकि जो पिछले मैच में उतरी थी इनकी टीम ना, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लो गेंदबाजी की बात कर लो, काफ़ी ज़्यादा हल्की नज़र आ रही थी, वो तो मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन ने बढ़िया पारी खेल दी थी इसलिए स्कोर बन गए थे, बाकी गेंदबाजी तो काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन इस मैच में अगर चेंजेस होते हैं, एडम मिलने जैसे गेंदबाज इनके खेमे में आते हैं, तो ब्रिमिंगम फिनिक्स की जो टीम है कहीं ना कहीं बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दोनों जगह मजबूत दिखेगी। वहीं साउथन ब्रेव की बात करें तो अगर यहाँ पे क्विंटन डिकॉक अवेलेबल होते हैं तो क्विंटन डिकॉक की वापसी होने वाली, क्विंटन डिकॉक आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, बस यही एक
चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि साउथ अम्बर पहले मैच की बात करें तो भाई साहब पहले गेंदबाजी जबरदस्त करते हैं, उसके बाद बल्लेबाजी भी जबरदस्त करते हैं। कहते हैं यूं ही नहीं बन गए थे चैंपियन, हमने वो परफॉर्मेंस दिखाई थी चैंपियन वाली, तभी चैंपियन बने थे और इस बार भी वही मतलब कारनामे जारी है। चैंपियन की तरह खेल रहे हैं, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लो या फिर गेंदबाजी की बात कर लो। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों को कंपेरिजन करें तो कहीं ना कहीं जो साउथ अम्बर की टीम है ना ये ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन बर्मिंघम फीनिक्स की बात करें तो अपने होम कंडीशन में एक भी मैच नहीं हारा। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो बर्मिंघम फीनिक्स ने लास्ट के सिक्स मैच में 5 मैच जीता, बस एक मैच हारा, मतलब बढ़िया खेल रहा है। पिछला मैच को हटा दिया जाए, इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 161/161 रन का, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 11.07, मतलब इसकी बात करें गेंदबाजी एवरेज की तो ये जबरदस्त नहीं है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे साउथ अम्बर की तो लास्ट के सिक्स मैच में सारे मैच जीते, 6 के 6 मैच जीता, एक भी मैच नहीं हारा। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 153/153 रनों का, दोस्तों 153 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है द 100 में बल्लेबाजी एवरेज। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 11.23, अगर 11.23 गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा। लेकिन पिछले मैच में जो इनकी गेंदबाजी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चली थी। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो रिजल्ट में जो साउथ अम्बर है बिल्कुल थोड़ा सा बर्मिंघम से बेहतर नजर आ रहा। बल्लेबाजी एवरेज की बात करें या गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो बर्मिंघम है वो साउथ अम्बर से आगे नजर आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, चलो अब हम ना वही जानते हैं। लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन के लिए कुछ खास है आपके लिए, थोड़ा सा देख लो। कर दिया एक चाहत थी उम्मीदों की, एक ऐसा भी दिन आएगा जब मेरा भाई मेरा भैया बन जाएगा और इस दुनिया के हर भाई से मेरे लिए सबसे अलग कुछ कर जाएगा। एक चाहत थी उम्मीदों की, एक वो भी दिन आएगा। ऐसी क्या चाहत थी एक बहन की अपने भाई से जिस दिन का वो इंतजार कर रही है? क्या उस बहन का जो भाई है जिस दिन का वो इंतजार कर रही है, क्या वैसा दिन भी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा? इसलिए मैं आपके लिए एक जबरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ किसकी, रक्षाबंधन की। तो मैं चाहता हूँ इस बार का जो रक्षाबंधन है ना वो आप मेरे साथ सेलिब्रेट करें। कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे आप मेरे साथ सेलिब्रेट? आपको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मेरी शॉर्ट फिल्म की लिंक मिलेगी, क्लिक करना है, वीडियो को पूरी देखनी है, उसके बाद आपको बताना है क्या आपको जो शॉर्ट फिल्म है अच्छी लगी या नहीं लगी। रक्षाबंधन ये बस एक डोर नहीं है। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करें, ये जो मैच है वो 50-50 50 साउथ अम्बर और 50 बर्मिंघम फीनिक्स। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच होगा ना बर्मिंघम फीनिक्स अपने नाम पे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बिन बर्मिंघम फीनिक्स। लेकिन भाई लोग इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी ना वो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम की लिंक कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो, जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी इस मैच की मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।